जैसा कि दोस्तों आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पानी का बहाव है और आज 26 तारीख का ये दृश्य है। 26 तारीख को दोपहर के 2 बजे का दृश्य है जिसमें ये पानी मंद गति के साथ में रिचा होता हुआ, चूंकि पिछली बार ये नदी चली थी इस बार वर्षा के सीजन में, तो पानी आगे बढ़ने में है ना तेज गति के साथ में पानी बह रहा है, तो पानी आगे बढ़ने की गति भी थोड़ी रफ्तार तेज है क्योंकि जमीन इतनी प्यासी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, ये पानी आगे बढ़ रहा है और वह अंतिम शोर है जहाँ से अभी भी आगे बढ़ रहा है, और मैं थोड़ा उसको अलग एंगल से आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ये पानी आ रहा है, ये वेग है और लगभग जैसा मेरा अनुमान है, सामने देखिए आप ये पाल बनी हुई है रोड की, तो इस हिसाब से लगभग 2 दिन यहाँ पर लग जाएंगे इस पानी को, मेरा एक निजी अनुमान है। उस अनुमान के तहत हमारे साथ में रामदेव पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के निदेशक महोदय वचनाराम जी देवासी भी मौजूद हैं, और साथ में मैं ये पूरा कैमरे के दृश्य से बता रहा हूँ, ये पाल बनी हुई है, तो ये पाल है उस पानी को पूरा रोक देगी, पूरा पानी यहाँ पर भर जाएगा और पानी भरने में फिर इसको क्रॉस करने में पानी को लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। ये पानी है आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ तक पहुँच रहा है और इस दिशा से ये आ रहा है जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं। तो अभी तो पानी काफ़ी बांध में काफ़ी पड़ा है, लगभग 15-20 दिन तक तो लगभग नदी के प्राकृतिक बहाव में बहेगा, तो कहाँ तक पहुँचेगा ये तो अनुमान लगाना, सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, लेकिन पानी मंद गति से आगे जरूर बढ़ रहा है और आज खानपुर की सरहद तक पहुँच चुका है।